यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। यशायाह अध्याय 36। हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया, और अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकिश में यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया, और वह उत्तरी पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किया का पुत्र एल्याकीम, जो राजघराने में काम पर नियुक्त था, और शेबना, जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र युआह, जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिया से कहो कि महाराजाधिराज अश्शूर का राजा यो कहता है कि तू यह क्या भरोसा किए बैठा है? मेरा कहना यह है कि युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति केवल बात ही बात है। अब तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह नहीं चाहे कि जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिया ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। इसलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब एल्याकीम और शेबना और युआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से आरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के व तेरे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पर बैठे हैं? इसलिए कि तुम्हारे संग उनको भी अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़े। तब रबशाके ने खड़ा होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यो कहता है कि हिजकिया तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा, और ऐसा न हो कि हिजकिया तुमसे यह कहकर भी भुलवा दे कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिया की बात मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे और अपने अपने कुंड का पानी पिया करोगे। फिर मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख बारियों का देश है। ऐसा न हो कि हिजकिया यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अरपात के देवता कहां रहे? सपरवैम के देवता कहां रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किया का पुत्र एल्याकीम, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना, जो मंत्री था, और आसा का पुत्र युआह, जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिया के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई।